तो तैयारी पूरी हो चुकी है गाइस। तो गाइस 11 बज चुके हैं और पार्टी हमारी बंद हो चुकी है। तो ये चेक करो गाइस, चौके का श्री गुरु बृहस्पति मंदिर, जो कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक मंदिर है। कानोली बारा से वर्धा जाते हुए ये मंदिर आता है रोड पे, और बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं छुट्टियों के दिनों में, नहीं क्या। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग चालू हो रहा है ये वाली एरिया से, गांव से, खेती बाड़ी के आसपास से। और ये देखो बेर लूट रहे हैं, बेर, ये देखो चोरी चोरी। तो ये देखिए, ये जिसकी भी खेती होंगे ना, वो जय माता दी रुमाल के पास आ जाना, ये लड़के को मैं तुम्हारे साथ मिलवा दूंगा, और इसको देख लेना क्या करना है। तो और यहाँ पे बेर लूट रहे सब्जन। और ये रहा गाइस पवनार, अभी लगेगा, और ये पवनार नदी, और यही पे कहीं पे हमें आना है चादर लेके वर्धा से पुल पे। और ये रहा वर्धा डैम, सॉरी पवनार डैम, जो कि नदी पर ही बंधा है, वो वहाँ से पानी रोका जाता है पूरा। और ये पवनार बस्ती, यहीं पे बजेगा हमारा संदल। तो आज है 29 जनवरी, और आज हम लोग आए वर्धा। हमारा वर्धा में प्रोग्राम था आज, पवनार का उर्स है ना, तो उसी के लिए आए थे। तो अभी शायद से 1:30 बज रहे, कितने दो बज के पाँच मिनट हो गए। तो 2 बजे हम लोग पहुंचे वर्धा, करीबन 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास पार्टी चलूंगी। यहाँ से हम लोग संदल निकालेंगे, चादर निकालेंगे, और यहाँ से चादर पवनार उर्स लेके जाएंगे। और बाकी रुके देखे कहाँ पे, एकदम ट्रेन पटरी के बाजू में इधर बस्ती है, ये वाली बस्ती से संदल निकलेगा, ये वाली बस्ती से शायद संदल निकलेगा। और नज़ारा बहुत अच्छा अभी फिलहाल यहाँ का। मेन वर्धा से ज्यादा दूर नहीं है, बट मेन वर्धा से पूरा आउटसाइड है, क्योंकि मेन वर्धा से आने के लिए रोड नहीं है, पूरा घूम के आना पड़ता, तो इसीलिए आउटसाइड बोल सकते हैं अपन। बाकी अभी चलते इधर, देखो सब दिन जा रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं। तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद तैयारी होंगी, प्रोग्राम चलूंगा, मचाएंगे फिर, तो पूरा व्लॉग में लेंगे, बने रहना, ठीक है। बाकी अभी मेरे साथ ईश्वर भाई, चेतन भैया। अभी फिलहाल हम गाड़ी के ऊपर थे अपने सेटअप के, यहाँ पे गद्दी डाली ना, यहाँ पे बैठा था मैं, ये वाला सीन है इधर। तो तैयारी पूरी हो चुकी है गाइस, और अभी चारपे भी बांधना चालू है, चारपे बांध रहे, बाकी पूरी तैयारी हो चुकी है, रेडी है, बस चालू करने की देरी है। और बिना की सर शुभम भाई भी आ गए आज। तो गाइस पार्टी चालू होके अभी आधे तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ से शिवाजी चौक में पार्टी बंद होंगी, और बस्ती चालू हुई थी पुल फेल बस्ती से। और भैया मजा आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, क्योंकि पब्लिक बीच बीच में नच रही है, थोड़ी चिंगड़ हो रही है, ठीक है। तो अगर पब्लिक एक बार पीछे चल गया तो अपन धूम मचाएंगे, चिबुकनी भी हमारे, और आगे आगे पार्टी भी है भैया, वो तो पार्टी का बाद में देखेंगे ना भैया। देखो कैसा, अपन खुद से नहीं खुश जाते किसी के साथ है, वही तो कह रहा हूँ कि आगे पार्टी है, अगर ऐसा रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है, नहीं बजाएंगे ना अपन, अनपढ़ नहीं है अपन, अनपढ़ नहीं है अपन, नहीं बजाएंगे, है कि नहीं। और ये अपना सेटअप फिलहाल, सभी बाजे, आकाश भी आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, सब ओके, सब मजे में। तो ये रहा शिवाजी चौक वर्धा, और यहाँ पे अभी फिलहाल बंद हुआ, यहाँ से जो नागपुर वर्धा हाईवे, वहाँ पे लेफ्ट साइड में मामा भांजा दरबार है, तो वहाँ पे बजाएंगे दो एक दो ग्वालियर सलाम, वहाँ से भी जाएंगे पवनार हम लोग। तो अभी तक ऐसा सीन था, हमने कम से कम 2 किलोमीटर सामने से पार्टी चालू की थी बस्ती में से, और अभी शिवाजी चौक वर्धा में बंदी हुई है पार्टी, यहाँ से बीच में हमको दरगाह पड़ेगा मामा भांजा दरबार, तो वहाँ पे बजाएंगे एक दो ग्वालियर और एक सलाम, वहाँ से जाएंगे पवनार। और दीपक भैया सब ठीक है? अच्छा तेजस भैया, अभी और बजाना आपने को, पहले एक दरगाह में, पवनार दरगाह में नहीं, पहले उसके पहले एक दरगाह में नहीं बजाना बोलते, नहीं बोल रहे, सादे ढोल में बजा देंगे, सादे ढोल में उससे पूरी पार्टी सेटअप चालू कर देंगे ना, देखते अभी क्या होता है, ठीक है। मामा भांजा वाला दरगाह बीच में ना बोल, चेक करो गाइस, मामा भांजा दरबार, जो कि वर्धा नागपुर हाईवे पे, वर्धा से नागपुर की ओर जाते हुए लेफ्ट साइड में आता है, और उर्स के वक्त देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, भयंकर, बहुत भयंकर। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये चेक करो गाइस, नागपुर वर्धा मेन हाईवे, रिंग रोड, हाईवे रोड, और यहीं पे रोड हाईवे टच दरगाह है मामा भांजा दरबार, तो यहाँ पे भी बहुत भयंकर भीड़ है। और सामने आपको जो लाइट दिखाई दे रही है, ये भी सारे भी दिखाई दे रही है, तो वो है पवनार, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे बजाना है अपने को, वहाँ पे ऑलरेडी 5:00 बज रही, अपने को लेट हो गया। और ये मामा भांजा दरबार, यहाँ पे भी बहुत भयंकर भीड़ है, देखिए लंगर के लिए भी और दर्शन के लिए भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मामा भांजा दरबार के पास, 4 ढोल 2 तासे बजाने हैं वहाँ पे, तो भाई लोग तो गए बजाने, मजा आ रहा अपना व्लॉग शूट करने, तो चलते वहाँ का सीन लेते हैं, फिर आ जाएंगे पवनार, पवनार में बजाएंगे, और पवनार में पवनार का जो शॉट है अपने को मिल जाएगा बजाने वाला,
दो तीन पार्टी को मिल सकता है, तो जो जो पार्टी मिलेंगी सामने उसका उसका शॉट मिलेगा। हाँ भैया, भैया ये व्लॉग में आने के लिए कर रहा भैया, चाबुकड़ी 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 हम पहुंचे थे गाइस पवनार और भीड़ चेक करो यहाँ पे बहुत भयंकर, हमको ढकेल दिया पब्लिक ने पीछे और हम लोग पूरे पीछे बीच में पूरी पब्लिक। अभी रुके फिलहाल सामने जाके बजाएंगे और पीछे देखो पूरी पब्लिक ही पब्लिक है गाइस। और ये देखिए और चेतन भैया दब गए हमारे, भैया ध्यान ही नहीं भैया। कड़कती धूप हो फिर भी वो छाव छाव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तेरी तासीम वो तासीम क्या कहने, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है।
हैं। चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े हैं, हीरों में गिने जाते हैं। तो गाइस 11 बज चुके हैं और पार्टी हमारी बंद हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक गाना और एक कव्वाली बजाया, एक कव्वाली और एक सलाम। और अभी चादर जा रही है दर की तरफ, सभी सामान जमा करने में व्यस्त है, तो थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये अपनी वाली चादर जा रही है जो अपन लाए हैं। तो गाइस एक पार्टी अब भी आई है 11:15 बजे, साई सरकार धुमाल कहा के पता नहीं, तो वहाँ देखते अपन और वहाँ का शॉट भी ले लूंगा एक।